भाई से राहुल, इस बार कद्दू की फसल बहुत बढ़िया हुई है, बहुत बड़ा बड़ा कद्दू पैदा हुआ है। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आती है कि ये लालू जी सबसे छोटा कद्दू अपने सर पर रख कर ला रहे हैं और सबसे पीछे चल रहे हैं, और मैं देखो अपने सिर पर कितना भारी कद्दू रख कर ला रहा हूँ। अरे मोदी जी, अपने आप अपना मियां मिट्टू मत बनो, मतलब अपनी तारीफ अपने आप मत करो, देख लो किसी से भी पूछ लो, सबसे बड़ा कद्दू अपने सर पर मैं रख के ला रहा हूँ। हाँ, इस बात को मैं कहूंगा कि लालू जी सबसे छोटा कद्दू अपने सर पर रख कर ला रहे हैं। एक बात बताओ, सब लोग तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आज मैंने अपने सर पर सबसे छोटा कद्दू रख लिया तो तुम सब लोगों को इतनी शिकायत है? कल मैं तो इतना भारी कद्दू लाया था तो तुम्हारे किसी के मुंह से मेरे लिए जरा सी तारीफ नहीं निकली थी। और मैं तो ये काम छोड़ रहा हूँ, मैं काम नहीं करूंगा। अरे लालू जी, क्यों छोड़ रहे हो? इतनी सी बात का बुरा मान गए तुम? मोदी जी, बात का बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो तुम सब लोग जानते ही हो कि अपना अमित शाह जी की मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह जी के खेत से कद्दू तोड़कर उनके घर पर लेकर जा रहे हैं। उनकी खेत से घर तक की दूरी 3 किलोमीटर है, मैं इतना नहीं चल पाऊंगा भाई। अरे लालू जी, 3 किलोमीटर दूर है तो क्या हुआ? तुम्हें पूरे दिन भर के वो 225 रुपए दिहाड़ी नहीं देती है? राहुल, काम तो मैं भी छोड़ने वाला हूँ, मैं भी काम छोड़ रहा हूँ। योगी जी, तुम किस वजह से समर्थन करती हो लालू जी का, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो, अमित शाह के घर से खेत तक की दूरी 3 किलोमीटर है और 225 रुपए की दिहाड़ी देती है वो इन कद्दू को घर तक पहुँचाने के। लेकिन राजनाथ सिंह जी के खेत से घर तक की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और वो अपने खेत से घर के लिए कद्दू ढोने के 300 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं। मैं कल से अमित शाह जी का काम छोड़कर राजनाथ सिंह जी के खेत से कद्दू ढोऊंगा। योगी जी, राहुल, मैं तो ये काम ही नहीं करूंगा कद्दू ढोने वाला, क्योंकि इस साल का कद्दू बहुत बहुत बड़ा हुआ है। एक कद्दू ढोने में सर में दर्द होने लगता है, मैं काम ही नहीं करूंगा, अगले साल काम करूंगा। और मोदी जी, अगले साल अगर इससे भी बड़ा कद्दू पैदा हुआ तो क्या करोगे? अरे अगले साल भी काम नहीं करेंगे, उस साल काम करेंगे जिस साल कद्दू छोटा छोटा पैदा होगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, भैंस के बच्चे को उधर लेके कहाँ जा रहे हो? इधर सामने चलो, भैंस के आगे आगे, तभी भैंस चलेगी। पूरे रास्ते पर इस भैंस ने बहुत परेशान किया है, तभी तो मैं कहता था मोदी जी अपने ही गांव में कोई भैंस खरीद लो किसी की देखकर, लेकिन तुम दूसरे गांव से भैंस खरीद के ला रहे हो। देखो कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भैंस का बच्चा चल नहीं पा रहा है और उसको आगे आगे लेकर चलना पड़ रहा है, उसे देखकर ही भैंस पीछे पीछे चल रही है। अरे लालू जी, तुम तो आफत करे पड़े हो, अब तुम लेके चलो इस भैंस के बच्चे को थोड़ी दूर, लेके चलो। अब तो अपना गांव में पहुंचने ही वाले हैं, आ चुके अपने घर पर। अरे राहुल और योगी जी चले आ रहे हैं, ये कैसे चले आ रहे हैं? अरे मोदी जी और लालू जी खरीद के ले आए भैंस को, कितने रुपए में खरीद के लाए इस भैंस को और भैंस के बच्चे को। और ये क्या, भैंस का बच्चा चल नहीं पाता है, इसे ऊपर क्यों उठाई हुई हो? और मैं दूध लेने के लिए आया हूँ आपके घर, आप भैंस ले आए, अब जल्दी जल्दी दूध निकाल दो भैंस का। राहुल, अभी हम सही से घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में है, तुम रास्ते में ही दूध मांगने लगे। कम से कम आज भर का इंतजार तो कर लेते, कल से दूध लेने के लिए चले आते तुम। आज मैं इस भैंस को दूसरे गांव से खरीद के लाया हूँ, क्या पता ये भैंस आज दूध दे के ना दे। वैसे मोदी जी, लालू जी और आपकी पार्टनरशिप में ये भैंस है, दोनों बराबर बराबर पैसे डालकर लाए हो इस भैंस को खरीद कर। 1 रुपए में 60 पैसे मेरे हैं तो 40 पैसे लालू जी के, यानी कि दूध का जो प्रॉफिट होगा वो 60% मैं रखूंगा, 40% लालू जी रखेंगे। वैसे जिसके घर से ये भैंस खरीद के लायो वो कितना दूध बता रहा है, कितना दूध देती थी ये भैंस बापर? देखो योगी जी, बताने में क्या जाता है, वो तो 20 लीटर दूध बता रहा है कि 20 लीटर दूध देती है ये, लेकिन मैं तो 10 लीटर दूध समझ के लाया हूँ। मैंने सोचा ये 20 बता रहा है तो 10 तो कम से कम देगी ही देगी ये दूध, और मुझे क्या चाहिए, 10 लीटर दूध देती रही है। पैसे मोदी जी, लालू जी के साथ में क्यों खरीद के लाए भैंस, आप अकेले क्यों नहीं लाए खरीद के? असल में लालू जी के साथ मैंने भैंस इसलिए खरीदी है क्योंकि अकेले चारे की बड़ा दिक्कत होती है, अकेले मैं चारा खिला नहीं पाता हूँ इस भैंस को, इसीलिए दोनों मिल बांट के खिलाते रहेंगे इस भैंस को चारा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी, तुम अपने आलू किस जगह बेचोगे? मैं तो अपने आलू गांव के बाहर अपने जो फैक्ट्री लगी है आलू के चिप्स की, उसी फैक्ट्री में जाके बेचूंगा। अरे 2 टोकरी आलू पैदा हुए हैं पूरे 6 बीघा जमीन में, आलू की फसल भी इस बार की बेकार हो गई बिल्कुल, पता नहीं क्या रेट आलू बिक रहा है, अब तो फैक्ट्री जाकर ही पता चलेगा। मैं ये, योगी जी, तुम अपने खेत का आलू कहाँ पर बेचोगे ले जाकर?
अरे सोच तो मैं भी रहा हूँ कि आलू के चिप्स की फैक्ट्री में भेज दूँ अपने आलू को, लेकिन चिप्स की फैक्ट्री से भी पेमेंट एकदम नहीं मिलती है, हफ्ते भर में खाते में पैसा आता है। तो फिर योगी जी, आलू तो मंडी में बेचकर ही नगद पैसा मिल सकता है, मैं तो मंडी में ही बेचूंगा भाई जाकर। पिछली बार मैंने थोड़े से लालच में आकर लालू जी को आलू दे दिया था, मंडी में आलू 5 रुपए किलो बिक रहा था, मैंने उन्हें 6 रुपए किलो दे दिया था और 1 महीने को उधार। 1 महीने का उधार क्या हुआ, पूरे साल भर में लालू जी ने पैसे दिए मुझे, इसीलिए मैं इस बार लालच में नहीं आऊंगा भाई, मंडी में 9 नगद करके आऊंगा, 100 उधार नहीं करूंगा मैं। वैसे केजरीवाल, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आलू की चिप्स की फैक्ट्री में आलू बेचूं या मंडी में जाकर बेचूं, क्योंकि ये आलू की चिप्स की फैक्ट्री नई नई लगी है, इस पे भरोसा भी नहीं कर सकते अभी। वैसे इस बार का आलू राहुल से ज्यादा किसी का पैदा नहीं हुआ है, 4 टोकरी तो ये घर डाल आया आलू और ये 2 टोकरी भरकर अब ले जा रहा है अपने साथ में। इस बार आलू का फायदा सिर्फ राहुल को ही मिल पाएगा और किसी को नहीं मिल पाएगा, और सबकी तो पैदावार बेकार हुई है, मेरे तो खेत में बस 3 टोकरी भर के आलू निकला है। भाग ले साथ, थोड़ा सा मेरे खेत में आलू ज्यादा निकल आया तुम्हें जलन होने लगी, पिछली बार तो मेरे खेत में सिर्फ 1 टोकरी आलू निकला था, उस टाइम तो तुमने कुछ नहीं बोला था, और तुम्हारे खेत में पूरे 5 टोकरी आलू निकला था। ऊपर वाला कभी किसी को ज्यादा देता है, कभी किसी को ज्यादा देता है। मैं तो अपना आलू अभी नहीं बेचूंगा, मैं तो अपने आलू को घर जाकर रिस्टॉक कर रहा हूँ, जब भाव महंगा होगा तभी मैं बेचूंगा अपने आलू को। वैसे राहुल, मैं तुम्हें एक सलाह दूं, आलू को ज्यादा दिन मत रोकना, सड़ जाएगा आलू, जल्द से जल्द बेच दो, अभी रेट भी सही है, ऊंचा रेट है अभी। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, योगी जी, तुम्हारा तो काम बन गया, हम ही रह गए पीछे भाई। कैसे अखिलेश, मैं तुम्हारी बात को समझे नहीं, कैसे काम बन गया? अरे भाई मोदी जी देखो, हम तो अब भी सर पर टोकरी ढो रहे हैं, सर पर टोकरी रखे रखे सर में दर्द होने लगता है, जबकि आपने हाथ से खींचने वाला ठेला ले लिया और योगी जी ने पीठ पे लटकाने वाली टोकरी ले ली। वैसे तो आप दोनों लोग भी पहले सर पर टोकरी रखकर सब्जी बेचा करते थे मेरी तरह। वैसे अखिलेश, अब भी तुम फायदे में हो, हमसे ज्यादा फायदे में हो तुम। अरे मैं अपने ठेले पे कटहल रख के ले जा रहा हूँ, मेरा ठेला इतना चौड़ा है पतली गली में नहीं ले जा पाता मैं इसे, लेकिन तुम जो अपने सर पर मूली की डोगरी रखी हुई हो वो कहीं पे भी पतली गली में ले जाके बेच सकते हो। अरे योगी जी, बहुत गाजर ले जा रहे हो आज तुम, हाथ में भी ले जा रहे हो दबा के और पीछे टोकरी भी फूल है तुम्हारी। अरे ले तो जा रहा हूँ मोदी जी, बिक जाए ये गाजर तभी की तो है, कल जो बिकने से बच गई थी वो मैंने हाथ में ले ली है, पहले उन्हीं को बेचूंगा और ताजी ताजी गाजर मेरे पीछे टोकरी में। अरे मोदी जी रोको रोको, अपने ठेले को यहीं पे रोक लो रोक लो। अरे राहुल, तुम पीछे से कब आ गए, देखा ही नहीं हमने। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, कटहल दे दूं ये? हाँ कटहल तो चाहिए, कटहल का अचार बनाऊंगा मैं। तुम भी बेफालतू के चक्कर में पड़े हो राहुल। अरे मेरी गाजर का अचार बनाओ, गाजर के अचार में बड़ा मजा आता है खाते हुए, बना के देखो। अरे पिछले साल मैंने गाजर का अचार बनाया था, नहीं मजा आया खाने में, कटहल का ही अचार बनाऊंगा मैं तो। योगी जी ये गलत बात है, राहुल मुझसे कटहल खरीद रहा है और राहुल को तुम अपनी तरफ बुला रहे हो गाजर खरीदने के लिए, ये कोई बात नहीं हुई। अरे राहुल राहुल राहुल, इधर देखो राहुल। राहुल को चुपके चुपके क्या बुला रहे हो अखिलेश, योगी जी की तरह तेज आवाज में बुलाऊं? अरे नहीं मोदी जी, मैं तो यूं ही राहुल से कह रहा था, राहुल अगर तुम्हें मूली का अचार बनाना हो मूली ले लो मेरी, बहुत बढ़िया ताजी ताजी मूली है। नहीं अखिलेश, मूली का तो अचार मैं खाता ही नहीं हूँ, मूली का अचार खाते ही पेट में बहुत बुरी गैस बनने लगती है, मैं नहीं खाता हूँ मूली का अचार। सुन लिया अखिलेश और योगी जी तुमने राहुल का फैसला? अरे वो गाजर और मूली का अचार खाना ही नहीं चाहता है, वो कटहल का अचार खाएगा। कटहल दूंगा मैं उसे बढ़िया वाला, अभी देता हूँ बहुत बढ़िया कटहल निकाल के तुम्हें। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।